हाय एवरीवन, वेलकम टू इंक्वेस्ट आईएएस। कैसे हैं आप सभी? ये सेशन है आपका ज्योग्राफी के एमसीक्यू का, जो कि हम रेगुलर बेस पे 5 एमसीक्यू कर रहे होते हैं ज्योग्राफी के, जो कि आपके यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स और एसएससी सीजीएल इन सभी एग्जाम्स के लिए काफी रेलेवेंट होने वाले हैं। यहाँ से हम डिटेल में एमसीक्यू जो है वो करते हैं। आपको इनका जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है कि क्या आपका स्कोर रहा और कितने आपको ठीक रहे और कितने समझ में आए, ये वो सब आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना रहेगा। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैलाश रेंज। कैलाश रेंज के बारे में हमें कुछ बातें करनी रहेंगी। इट इज अ ब्रांच ऑफ लद्दाख रेंज दैट इज सिचुएटेड इन द वेस्टर्न तिब्बत। कि क्या ये लद्दाख रेंज की कोई ब्रांच है जो कि वेस्टर्न तिब्बत में आ रही है? माउंट कैलाश इसकी हाईएस्ट पीक है जिसकी हाइट इतनी रहेगी। रिवर इंडस ओरिजिनेट कर रही है फ्रॉम द नॉर्दर्न स्लोप ऑफ द कैलाश रेंज। वन ओनली, थ्री ओनली, वन एंड टू या फिर ऑल आर ट्रू। योर टाइम स्टार्ट नाउ। ओके, इस राइट आंसर विल बी द डी गाइज, ऑल आर ट्रू विल बी द राइट आंसर। एक्चुअली में नॉर्मली अगर हम देखें, सबसे पहले आपकी जो ट्रांस हिमालय की रेंज रहती है, ट्रांस हिमालय में आपकी कुछ रेंज ऐसे आती है। सबसे पहले होती है कराकोरम, कराकोरम के बाद हम लोग देख रहे हैं आपकी आती है लद्दाख रेंज, उसके बाद आती है जास्कर रेंज, उसके बाद इन दोनों के बीच में ही एक रेंज आती है जिसका नाम रहता है कैलाश रेंज, ठीक है। लेकिन कुछ ज्योग्राफर ने ये बोला है कि ये जो लद्दाख रेंज है, ये कैलाश रेंज आपकी तिब्बत में लाई करती है, लेकिन आती है वो ट्रांस हिमालय के सीरीज में ही है। उन्होंने ये बोला है कि जो वेस्टर्न तिब्बत का एरिया उसी का ही ये एक्सटेंशन है, मीन्स लद्दाख रेंज ही वहां पे एक्सटेंड होके गई हुई है, उसको बस अलग नाम दे दिया, ठीक है। सो इसलिए हम फर्स्ट स्टेटमेंट को ठीक बोल रहे हैं, सेकेंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। रिवर इंडस जो है वो भी वहां से ओरिजिनेट कर रही होती है। ये देखो माउंट कैलाश मानसरोवर है और यहीं से आपकी रिवर इंडस ओरिजिनेट करती है, जिसको हम लोग सिंधी खम्बान के नाम से जो है वो जानते हैं, ठीक है। सिंधी खम्बान के याद रखना, इसके नीचे एक और रिवर जो है वो ओरिजिनेट करती है इंडस के नीचे, जिसका नाम रहेगा सतलज। सतलज रिवर को हम लोग लांगची खम्बाब के नाम से यहाँ पे जो है वो जानते रहेंगे, ठीक है। दोनों का फ्लो अपने इंडिया के अंदर आएगा। चलिए आगे देखते हैं, अरेज अ फॉलोइंग रेंज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। साउथ से नॉर्थ की फॉर्म में हमें लगाना है, कुछ ऐसी फॉर्म में लगाना है, महादेव, कैमूर, बालघाट या पीर पंजाल रेंज। सो करेक्ट आंसर 4231 1324 1234 3421। योर टाइम स्टार्ट नाउ। ओके, इस राइट आंसर विल बी द बी। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि महादेव जो ये रेंज आएगी ना, दैट इज लोकेटेड इन द महाराष्ट्र। पहली बात ये अगर आपको पता है तो आपकी आधा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। बालघाट आपको, महादेव आपको देखने को मिलेगा। आप इसको भी एलिमिनेट करो, इसको भी एलिमिनेट करो, देन यू हैव अ टू ऑप्शन। फिर कैमूर का हमें पता है कि ये जो कैमूर हिल्स है वो नियर द बिहार है, एमपी के अंदर, लेकिन नियर बिहार लाई करेगी, तो हम इसको बाद में देखेंगे। फिर अपनी सबसे पहले आती है बालघाट रेंज और फिर आती है कैमूर एंड देन पीर पंजाल बिल्कुल लास्ट में हमें देखने को मिलती है। बालघाट रेंज भी ये देखो ये रही आपकी, जो कि महाराष्ट्र के अंदर ही आती है, लेकिन महादेव से ऊपर आएगी, इसलिए हम बोल रहे हैं महादेव आपकी इस रीजन में यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर हरिश्चंद्र आती है, उसके ऊपर बालघाट आती है, ठीक है। और आपकी कैमूर हिल्स ये रही, दिस वन इज हियर, और पीर पंजाल रेंज आपको इस रीजन में यहाँ पे देखने को मिलती है। तो अकॉर्डिंगली बी आपका सही जवाब रहेगा। चलिए आगे, सबसे इसके बाद क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाईएस्ट पीक ऑफ ओडिशा इज द गजात हिल्स। पालकोंडा हिल्स आर लोकेटेड इन द आंध्र प्रदेश। हाईएस्ट पीक ऑफ द झारखंड, पीक है ये, और झारखंड इज पारसनाथ। तो वन ओनली, टू एंड थ्री, थ्री ओनली, ऑल आर टू। योर टाइम स्टार्ट नाउ। ओके, इस राइट आंसर विल बी द बी, सेकेंड वाला ठीक रहेगा, टू एंड थ्री, क्योंकि ओडिशा की हाईएस्ट पीक गजात हिल्स नहीं है, पालकोंडा आंध्र की रहेगी और हाईएस्ट झारखंड की पारसनाथ रहेगी।
ओडिशा की आपकी सेव दिल्ली के नाम से समथिंग कुछ आपको मिलेगी, वो आप एक मिनट चेक करना। सिरोलिया सॉरी हाँ देवमली, देवमली ये हिल्स हैं, देवमली या देवमढ़ी भी इसको बोलते हैं, वे हिल्स हैं जो कि ओडिशा की आपको हाईएस्ट देखने को मिलेंगी। फाइन मूविंग अहेड, गजरात हिल्स हैं आपके ओडिशा में, ये रही दिस इज हियर लेकिन नॉट द हाईएस्ट वन। नेक्स्ट है आपके सामने, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बस्तर प्लेट्यू इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़, बेला डेला इज फेमस फॉर द कोल लोकेटेड इन द झारखंड, मालवा प्लेट्यू इज लोकेटेड इन द मध्य प्रदेश। What is your correct answer? 3 only, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 only. Give me answer, your time start now. Okay, its right answer will be the D. आपका 1 and 3 सही रहेगा क्योंकि बेला डीला कोल के लिए नहीं आयरन के लिए ज्यादा फेमस होता है, सो बेला डीला इसलिए गलत हो जाएगा। मालवा आपका एमपी में है और बस्तर आपका छत्तीसगढ़ में लोकेटेड करता है। आपको याद हो छत्तीसगढ़ में एक सुकमा नाम की जगह है जहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं या हम बोले ये जो नक्सलवादी होते हैं उनका ज्यादा इम्पैक्ट रहता है, वो रीजन है सुकमा में, सुकमा और वो बस्तर प्लेटू में ही सुकमा आता है, तो वो वहीं पे ही। अभी जो अटैक हुआ था 2021 में ही, तो वो भी अटैक बस्तर प्लेटू में हुआ था। इसकी खास बात यह है कि बहुत ज्यादा फॉरेस्टेशन है यहाँ पे, यानी कि जंगल बहुत घने हैं जिससे आराम से जो वो नक्सली हैं वो यहाँ पे आराम से रह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है, स्पेशल इस साल न्यूज में रहा है तो ये इम्पोर्टेंट रह जाएगा। फाइन नेक्स्ट है, गिंगी हिल्स लोकेट करिए किस स्टेट के अंदर। गिंगी हिल्स इंपॉर्टेंट है, ये गिंगी हिल्स एमपी, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। योर टाइम स्टार्ट नाउ। ओके, इस राइट आंसर विल बी द तमिलनाडु। तमिलनाडु में आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ये रही गिंगी हिल्स, ये आपकी शेवरॉय और जावड़ी जो हिल्स हैं, शेवरॉय हिल्स और जावड़ी हिल्स हैं जो आपकी तमिलनाडु में, उन दोनों के बीच में छोटी इसी हिल्स आती है जिनका नाम रहेगा गिंगी हिल्स, जो कि फेमस है, छोटी यूनिक है, फेमस भी है, तो आप इन्हें जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। इसी तरीके से गाइज हम रेगुलरली 5 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आएंगे ज्योग्राफी के एमसीक्यू, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए और इस साल का प्रीलिम्स आप डेफिनेटली क्लियर कर जाएं। फाइन, इसके लिए आपको अपना स्कोर जो है वो बताना रहेगा। कोई डाउट क्वेरी कुछ भी बात है वो आप कमेंट सेक्शन में लीव करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल जरूर करिए एंड डू शो योर लव ऑल्सो। थैंक यू।